सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। तो दोस्तों, अभी जो है हम मल्टीमीडिया फाइल्स को अपने वेब पेज के अंदर इंपोर्ट करवा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इमेज फाइल को इंपोर्ट करवाया था, बाद में उसको हमने हाइट वेट साइज वगैरह हमने सब उसका हल्का फुल्का एट्रीब्यूट्स का यूज किया था। उसके बाद हमने जो है ऑडियो फाइल्स को इंपोर्ट किया था। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML फाइल के अंदर वीडियो कैसे आप इंपोर्ट करवाते हैं। HTML फाइल में अपनी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। HTML फाइल मैंने अपनी ओपन कर ली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंपोर्टिंग वेब पेज। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो आपका टैग जो यूज होगी वो आपका सिंपल वीडियो टैग जो है यूज होने वाली है। एक ओपनिंग टैग हम इसके अंदर यूज करेंगे और जो है एक क्लोजिंग टैग हम इसके अंदर यूज करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जो इसका नॉर्मल सिंटैक्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब सिंपल सी चीजें हैं, जैसे हमने ऑडियो में किया था, जैसे हमने इमेज के अंदर किया था, कि सबसे पहले हम एक टैग यूज करते हैं, उसके बाद फर्दर उसकी वो करने के लिए हम कुछ स्पेसिफाई करने के लिए, या फर्दर कुछ जैसे तो हमें उसकी देनी है, उसको विड्थ बतानी है, या फर्दर उसे कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल्स बटन का यूज करते हैं, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सेम वीडियो के अंदर भी होगा, बस इसके अंदर टैग आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सोर्स में जो आपकी वीडियो होगी, अगर आपकी फाइल और वीडियो सेम फोल्डर में है तो आपको सोर्स लोकेशन डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो का जो है नाम और एक्सटेंशन डालना है। तो इसके अंदर मेरी वीडियो है वो WID के नाम से है और जो उसकी एक्सटेंशन है वो MP4 है, यप MP4 है। तो अब टाइप के अंदर हम डाल देंगे MP4 वीडियो की, ठीक है। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे ताकि वीडियो को हम जो है कंट्रोल कर सके, उसे प्ले पॉज कर सके, आगे पीछे कर सके, उसको म्यूट अनम्यूट कर सके, ऑडियो को जो है कम कर सके, ज्यादा कर सके। तो ये देखिए मैंने पेज को जो है रिफ्रेश कर लिया है। ओके, तो अभी तक जो है हमारी वीडियो इसके अंदर पेज के अंदर नहीं आई है, तो वीडियो को चलिए इंपोर्ट कराते हैं। तो ये मिस्टेक थी, हमने वीडियो का नाम ठीक से नहीं दिया था। तो अभी आप देखेंगे कि वीडियो काफी जो है बड़े साइज के अंदर आपकी पेज के ऊपर इंपोर्ट हुई है, ठीक है। वीडियो का काफी बड़ा साइज आया है, तो हम क्या करेंगे, वीडियो का साइज वीडियो टैग जो है आपका इसके अंदर हम कर देंगे मेंशन। अगर आपके लिए हाइट इंपॉर्टेंट है, विड्थ कुछ भी हो तो आप सिर्फ इसके अंदर हाइट डालेंगे, और अगर आपके लिए विड्थ इंपॉर्टेंट है, हाइट वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, आप उसमें सिर्फ विड्थ अपने डाल देंगे। मान लो मुझे अपनी जो है इस वेब पेज के अंदर हाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, विड्थ उसकी कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके रेशियो के हिसाब से, तो मैं हाइट कुछ भी डाल दूंगा। यहाँ पे मैं डाल दूंगा मान लो 450, ठीक है। सेव करूंगा, पेज रिलोड करूंगा, देखिए 450 मेरी हाइट आ गई है और ऑटोमेटिकली जो भी इसका रेशियो था उसके हिसाब से इसकी विड्थ आ गई है। कंट्रोल्स जो एट्रीब्यूट हमने यूज किया था उसकी वजह से इसके अंदर कंट्रोल आ गए हैं, जिसके अंदर हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, इसका टाइमर होता है। दूसरा इसकी ऑडियो, क्योंकि इस फाइल के अंदर कोई ऑडियो नहीं है, जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था स्लो मोशन के अंदर, तो इसके अंदर कोई ऑडियो नहीं आई थी, तो ये बटन जो है डिसेबल है। अगर आपकी वीडियो में ऑडियो है तो ये बटन आपको जरूर मिलेगा, ये आपको फुल पेज करने के लिए, फुल डिस्प्ले व्यू करने के लिए, ठीक है। और ये है आपका आगे पीछे करने के लिए टाइमलाइन, ठीक है दोस्तों। ये था यार आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम इंपोर्ट करवाते हैं वीडियो फाइल HTML पेज के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, उम्मीद रखता हूँ कि देखने के बाद आप प्रैक्टिकली घर पे जरूर ट्राई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।